please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राम मंदिर पर श्री श्री की पहल के बीच सीएम योगी ने कहा कि बातचीत में अब देर हो गई है। कोई प्रयास करता है, मुझे लगता है स्वागत योग्य है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ही इसमें सुनवाई कर रही है, हमें इसका इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि राहुल कभी भी पार्टी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि इसी साल बनेंगे, जब बातचीत सब तय हुआ है इस साल हो जाएगा। राजस्थान के कोटा में कड़ी सेना ने जिला कलेक्ट्रेट पर भंसाली के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नाबालिग की गैंगरेप के मामले में 3 लड़कों पर केस दर्ज। अहमदाबाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि बीजेपी भाई भाई को लड़ाने का काम करती है। दिल्ली में कांग्रेस नेता के भाई की हत्या के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के अलवर में बाइक सवार बदमाशों ने बीएड कॉलेज के संचालक पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक आदमी की हत्या के आरोप में उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में अधिशासी अभियंता के उत्पीड़न की वजह से महिला कर्मी ने खुदकुशी की कोशिश की। सीएम विजय रूपाणी की विधानसभा क्षेत्र में 200 परिवारों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों को चूना लगाने वाले शातिर को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले गैंग के 2 लोगों को पकड़ा। पद्मावती को लेकर मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दावा किया कि यूपी में सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। लोगों में आक्रोश भी है तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखना ये राज्य की जिम्मेदारी है। पद्मावती पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने दावा किया कि सिनेमा घरों को सुरक्षा देंगे। पीयू के सर्वे में अमित शाह ने कहा कि देशभर में पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। अजय कुमार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। बिहार के दरभंगा में परिवहन कार्यालय पर छापेमारी में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ी हेरिटेज ट्रेन के कोच में आग लगने से हड़कंप मचा। कानपुर में पुलिस ने से परेशान आदमी ने मंत्री के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान के समर्थन में उनके बेटे उमर भी उतर आए। झारखंड के धनबाद में अज्ञात बदमाशों ने केबल ऑपरेटर की गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 90 साल की बुजुर्ग ने चिता बनाकर आत्मदाह कर लिया। पप्पू शब्द पर ईसी की रोक के बाद बीजेपी नेता जीवेंद्र नरसिम्हा ने फिर कांग्रेस पर तंज कसा। अपनी मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, वो इस कंट्रोवर्सी के तहत जनता के पास ऑलरेडी पहुंच गया है। यूपी के ललितपुर में कोचिंग क्लास से लौट रहे एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में पहली बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया। राम मंदिर पर श्री श्री की पहल को स्वरूपानंद सरस्वती ने तमाशा बताया। सनातन धर्मी राम की मूर्ति वहां देखना चाहता है, इसका शोषण राजनीतिक लोग कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ से श्री श्री रविशंकर आकर ये तमाशा कर रहे हैं। श्री श्री ने दावा किया कि सिर्फ मुस्लिम मंदिर विरोधी नहीं, सभी को साथ लेकर चलना है। मैं कोई फॉर्मूला लेके नहीं आया, मैं अपनी कोई विचारधारा किसी के ऊपर थोपने नहीं आया। सरकार ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए अखिल भारतीय समिति बनाने का फैसला किया। ये भारत के छोटे छोटे बड़े कंज्यूमर्स के पक्ष में भारत सरकार खड़ी है। इलाहाबाद में आबकारी इंस्पेक्टर और सिपाही को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। पद्मावती के विरोध में राजस्थान के दौसा में गधों के साथ भंसाली पर केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बीजेपी नेता समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने अभी तक FIR नहीं लिखाई है, परिवार से बातचीत चल रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ में 7 जवान घायल हो गए। दिल्ली में ऑड इवन पर NGT आज फैसला सुना सकता है। पटना में फिल्म पद्मावती के विरोध में नारेबाजी और भंसाली का पुतला फूंका गया। इस बार हम इस फिल्म को बंद करा के रहेंगे। राजस्थान के टोंक में चलती कार में आग लगने पर वक्त रहते 6 लोगों ने जान बचाई। मोदी कैबिनेट ने दालों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया।
कोहिमा में भारत बांग्लादेश की सेना ने संयुक्त अभ्यास संप्रीति 2017 का आयोजन किया। राजस्थान के झुंझुनू में सरपंच पर एक लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में मौसम की पहली बर्फबारी से तापमान में गिरावट। पद्मावती पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर भंसाली के बचाव में उतर आए। नवी मुंबई के बैंक से 3 करोड़ के जेवर की लूट में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने कुछ होटल पर छापा मारकर करीब 50 जोड़ों को पकड़ा। यूपी के आगरा में एक बैंक के एटीएम में आग लगने से काफी कैश जल गया। सरकार ने शीतकालीन सत्र पर साफ किया कि जल्द तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सबसे कंसल्ट करते हुए डेट ऑफ फॉर्म तय करेंगे। इंदौर में एमबीए की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कांग्रेस के गुजरात चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत ने जल्द उम्मीदवारों के ऐलान का दावा किया। कल सीसीए बैठक होगी, सीसीए के बैठक के बाद में ही सारे फैसले होंगे। दिल्ली में जल्द ही सरकारी दस्तावेज और दूसरी सेवाएं दिल्ली सरकार घर घर पहुंचाएगी। पब्लिक सर्विसेज दिल्ली सरकार देती है, इन सभी सर्विसेज की होम डिलीवरी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेंदुए की खाल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के हरदा में लड़की की खुदकुशी के मामले में आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के समस्तीपुर में अंग्रेजी शराब के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इस बीच बड़ी खबर चंदन जजवाड़े दे रहे हैं। यूपी के खतौली ट्रेन हादसे के बाद नौकरी से निकाले गए 11 ट्रैकमैन नौकरी पर वापस ले लिए गए। रेलवे का कहना है कि जांच चल रही है और रेलवे के नियमों के मुताबिक बिना जवाब सुने नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए नौकरी पर वापस लेकर निलंबित रखा गया है। अब सवाल ये है कि जब नौकरी से निकाला गया था तब क्या रेल अधिकारियों को नियमों की जानकारी नहीं थी? इस मामले में मेंबर इंजीनियरिंग, जीएम नॉर्थन रेलवे और डीआरएम दिल्ली को नोट छुट्टी पर भेज दिया गया था, लेकिन इन सभी को पहले ही वापस बुलाया जा चुका है। खतौली में 19 अगस्त 2017 को उत्कल एक्सप्रेस हादसे में 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। तो यह हादसा आपको बता दें 19 अगस्त को हुआ था, जिसके बाद जैसी कार्रवाई होती है कुछ लोग निलंबित होते हैं, कुछ को सस्पेंड किया जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि कुछ दिन के बाद वापस से इन लोगों को काम पर रख लिया गया। गुजरात चुनाव के बीच हार्दिक पटेल का एक और साथी चिराग पटेल बीजेपी में शामिल। राजस्थान के टोंक में एक घर में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मचा, जिसे जंगल में छोड़ा गया। यूपी की फिरोजाबाद में पुलिस ने 7 लुटेरों से कई मोबाइल और कार बरामद की। बिहार के गोपालगंज में दिनदहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक लड़के को गोली मार दी। अलीगढ़ में मेयर प्रत्याशी के गनर की गोली से एक छात्र घायल हो गया। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने सीडी कांड पर कहा कि माफी की जगह तर्क देना निंदनीय है। हार्दिक के साथ ही दिनेश ने बीजेपी नेताओं पर 40 करोड़ में सीडी बनवाने का आरोप लगाया। अजमेर दरगाह में दीवान फिल्म पद्मावती के विरोध में राजपूतों के साथ उतर आए। रांची कोर्ट में चारा घोटाले के आरोपी की पेशी के बाद आज से सुनवाई में तेजी आएगी। महंगे शौक के लिए चोरी वाले छात्रों के गिरोह को मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में शादी समारोह से बच्चा चोर गिरोह जेवर का बैग लेकर फरार हो गया। पटना में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों और तीमारदारों के बीच परेशानी। टीआईआईटी के मुताबिक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार चेकबुक बंद कर सकती है। कर्नाटक के टुमकुरु अस्पताल पर एक दिव्यांग को व्हीलचेयर नहीं देने का आरोप लगा। बिहार के मधुबनी में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप से 800 लीटर शराब बरामद की। राजस्थान की बूंदी में गौरक्षकों ने तस्करी कर ले जा रहे 50 बछड़ों को छुड़वाया। अलवर कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर साफ हुआ कि उमर के 2 गोलियां उसे लगी थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पानी की किल्लत की वजह से 2 लड़के मोबाइल टावर पर चढ़ गए। झारखंड के धनबाद में फिल्म पद्मावती पर रोक की मांग को लेकर पोस्टर जलाए गए। महाराष्ट्र सरकार प्लास्टिक की बोतल और थैली पर रोक लगाने की तैयारी में है।
साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन होगा। पत्रकार विनोद वर्मा से जुड़े मंत्री सीडी कांड की जांच सीबीआई ने शुरू की। छत्तीसगढ़ के सेक्स सीडी कांड की जांच सीबीआई को सौंपने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। मणिपुर में शहीद हुए जयप्रकाश उरांव को रांची में अंतिम सलामी दी गई। मुंबई में एयर शो के दौरान कई देशों की सेना के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के 3 मामलों को एक साथ जोड़ने की अपील खारिज हुई। काबुल में एक सभा में हुए आत्मघाती हमले में 18 लोगों की मौत हो गई। ग्रीस में भारी बारिश से आई बाढ़ की चपेट में आकर 16 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के भरतपुर में दवाई की दुकान की चोरी करते हुए एक लड़का सीसीटीवी में कैद हुआ। प्रद्युम्न केस के बाद सरकार ने स्कूलों में माता पिता के लिए शिविर का फैसला किया। झारखंड के नारायणपुर से इनामी नक्सली बलदेव मांझी को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में 5 साल के बच्चे की पिटाई के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। कार्तिक चिदम्बरम के विदेश जाने की अनुमति मांगने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी। पद्मावती के विरोध के बीच दीपिका और शाहिद कपूर की मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। फिल्म पद्मावती के विरोध में राजस्थान के चित्तौड़ का किला 2 दिन बंद रहेगा। पूर्व आरबीआई गवर्नर रंगराजन के मुताबिक दिसंबर तक महंगाई दर नीचे आने की उम्मीद। बिहार के भागलपुर में लघु खनिज एक्ट के खिलाफ ट्रक मालिकों ने प्रदर्शन किया। भारत जल्द ही कुलभूषण जाधव की पत्नी से मुलाकात के मामले पर पाकिस्तान को जवाब देगा। नॉर्थ कोरिया पर ट्रंप के दावे को खारिज कर चीन ने पुराने रुख पर कायम रहने की बात कही। चीन ने दावा किया कि आतंकी मसूद अजहर का बचाव करना ब्रिक्स समझौते का उल्लंघन नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भारतीय लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैलिफोर्निया में मारे गए भारतीय के परिवार को सुषमा स्वराज ने मदद का भरोसा दिलाया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने 10 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। रोहतक जेल में बंद राम रहीम से राजस्थान पुलिस ने 2015 के मामले में पूछताछ की। जिम्बाब्वे मीडिया ने राष्ट्रपति मुगाबे और आर्मी कमांडर की मीटिंग फोटो तस्वीर जारी की। रेडियो होस्ट के जबरदस्ती किस करने के आरोप के बाद यूएस सेनेटर ने माफी मांगी। श्रीनगर में एप्पल फेस्टिवल में अलग अलग किस्म के सेबों की प्रदर्शनी लगाई गई। लियोनार्डो द विंची की बनाई ईसा मसीह की एक पेंटिंग 3000 करोड़ में बिकी। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु चाइना ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी का सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया।